नमस्कार जय हिंद इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज आप सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को इसके पहले आप पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस कर चुके हैं जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं perfect, perfect, पास्ट परफेक्ट अर्थात परफेक्ट पूर्ण पास्ट यानी कि भूतकाल तो कोई कार्य या घटना जो कि भूतकाल में ही पूर्ण होने का बोध कराती हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं लेकिन प्रायः यह टेंस भी दो क्लाउज से मिलकर के अपना सेंटेंस बनाता है सुविधा की दृष्टि से या अध्ययन की दृष्टि से हम यहाँ पर आपको सिंगल सेंटेंस या सिंगल क्लाउज के रूप में इसको पहचानेंगे और इसके सेंटेंस को अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के रूप में बना करके आपको दिखाएंगे तो सबसे पहले जानेंगे इसकी पहचान को तो इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के माध्यम से वाक्य के अंत में या क्रिया के साथ में चुका था चुकी थी चुके थे या आ था ई थी ए थे जैसे कई वाक्यों में बोला जाता है हुआ था हुई थी हुए थे तो इनके अंत में आ ई, ए, ए का उच्चारण होता है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है और इस टेंस में हमें ध्यान रखना होगा कि मेन वर्ब का सदैव थर्ड फॉर्म उपयोग होता है और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है एच ए डी और हैड का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ में करते हैं चाहे आई हो वी हो दे हो यू हो ही हो सी हो इट हो बॉय हो या वॉयज हो अर्थात सिंगुलर प्रोनाउन हो या प्लुरल प्रोनाउन हो कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ में हम हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस टेंस के अंतर्गत उपयोग करते हैं जब इस टेंस का उपयोग डबल क्लाउज के रूप में होता है तो हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि अक्सर कंजक्शन के रूप में आफ्टर बिफोर वेन का प्रयोग देखने को मिलता है तो इसे हम आगे समझेंगे तो पहले हम सिंगल क्लाउज के रूप में इनके सेंटेंस वाइज स्ट्रक्चर को समझेंगे तो पहला सेंटेंस हम लेंगे यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस तो अफर्मेटिव सेंटेंस की सिंटैक्स होगी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट जैसे वह विद्यालय जा चुका था तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैड गॉन टू स्कूल इसी प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे इसकी सिंटैक्स होगी सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्क के बाद में नोट लगा दे तो जैसे वह विद्यालय नहीं गया हुआ था तो ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल अब इसके बाद में हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सिंटेक्स को जो पहला प्रकार होता है यस नो आंसर टाइप हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट करेंगे क्या आप विद्यालय जा चुके थे तो हैड यू गॉन टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें अब इसमें दूसरे प्रकार का होता है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप तो सेम हम यस नो आंसर टाइप की तरह ही सेंटेक्स को बनाएंगे लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड को हम पहले सेंटेंस के लिख देते हैं जैसे वे विद्यालय कब गए थे वैन हैड दे गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क अब इंटेरोगेटिव के बाद में जो चौथा प्रकार का हम सेंटेंस बनाते हैं तो उनकी सिंटेक्स भी हम इंटेरोगेटिव की भांति ही बनाएंगे सिर्फ ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते हैं तो उसमें भी दो प्रकार के बनाए जाते हैं यश नोट आंसर टाइप और डब्ल्यू एच टाइप तो नो आंसर टाइप का होगा हमारा तो पहले लिखेंगे हम हैड और इसके बाद में सब्जेक्ट और इसके बाद में नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क उदाहरण के रूप में क्या आप विद्यालय नहीं गए थे तो इसका ट्रांसलेशन होगा तो हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क अब डब्ल्यू एच वर्ड का होगा तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे और इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड को लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे और फिर नेगेटिव के लिए हम नॉट लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे और जो अदर वर्ड्स या कम्प्लीमेंट हो उनको लिखेंगे क्वेश्चन मार्क कर देंगे जैसे तुम विद्यालय क्यों नहीं गए थे तो इस प्रकार से ये सिंगल क्लाउज के रूप में चार प्रकार के आपको वाक्य देखने को मिलते हैं जिनको आप समझ चुके हैं यहाँ पर अब हम यहाँ पर डबल क्लाउज के रूप में पास्ट परफेक्ट टेंस के उपयोग को देखेंगे तो जब डबल क्लाउज होते हैं तो उनके साथ में कंजक्शन के रूप में जैसा कि हमने बताया है आपको बिफोर या आफ्टर का प्रयोग देखने को मिलता है कभी कभी इसमें वैन भी हम यूज कर लेते हैं सेंस के अनुसार तो यहाँ ध्यान देना है जो खासकर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक विशेष ट्रिक है यहाँ पर जब भी आपको हेड का प्रयोग करना हो तो हेड वाले सेंटेंस को आप ध्यान रखें जैसे कि बिफोर का मीनिंग होता है पहले से पहले और आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में तो यहाँ पर हम एक ट्रिक अपने माइंड में फिट कर लेंगे बिफोर यानी कि पहले तो हेड वाला सेंटेंस पहले और आफ्टर यानी बाद में तो हेड वाला सेंटेंस बाद में कहने का आशय जब बिफोर का प्रयोग करेंगे तो बिफोर का आशय होगा से पहले तो हेड वाला सेंटेंस हम बिफोर के पहले उपयोग करेंगे और बिफोर को बाद में लिखेंगे इसी प्रकार से आफ्टर यानी कि बाद में होगा तो हेड वाला जो सेंटेंस होगा या जो क्लाउज होगा वो हम आफ्टर के बाद में लिखते हैं और इसमें ध्यान देना होता है कि जब डबल क्लाउ के रूप में सेंटेंस बनता है तो उसमें हमारी दो प्रकार से घटनाएं या एक्शन प्रकट होता है यानी कि एक, एक एक्शन जो कि बहुत पहले पास्ट में पूर्ण रूप से हो चुका हो और एक, एक एक्शन जो कि अर्ली यानी कि पास्ट में बाद में हुआ हो तो जो एक्शन पहले हो जाता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में अनुवादित करते हैं और जो एक्शन उसके बाद में हुआ हो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं तो यहाँ पर आफ्टर और बिफोर के प्रयोग में ध्यान रखना है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट को लिखेंगे तो आगे आफ्टर का प्रयोग करेंगे और पास्ट परफेक्ट आफ्टर के बाद में लिखेंगे और इसी प्रकार से जब हम बिफोर का प्रयोग करेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट वाले क्लाउज को पहले बनाएंगे और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट वाले क्लाउज को बनाते हैं उदाहरण के रूप में जैसे आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड अर्थात ट्रेन आने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था तो यहाँ पर दो घटनाएं हमको सेंटेंस में मिल रही है तो यहाँ हमारा स्पष्ट सेंस निकल रहा है कि ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुँच चुका था तो यानी पहले घटना क्या हुई स्टेशन पहुँचने वाली तो इसीलिए उसका अनुवाद यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के रूप में किया गया है और जो बाद में घटना घटी है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट के रूप में किया गया है तो यहाँ कंजक्शन के रूप में बिफोर का प्रयोग किया गया है तो जैसा कि बताया गया है जब हम बिफोर का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं और बाद में पास्ट इंडेफिनिट का उपयोग करते हैं और यदि आफ्टर का प्रयोग किया गया होता जैसे कि ही रीस्ट द स्टेशन आफ्टर ट्रेन हैड अराइव्ड तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा ही द स्टेशन यानी कि वह स्टेशन पहुंचा आफ्टर ट्रेन हैड अराइव्ड यानी कि ट्रेन के आने के बाद तो यहाँ पर जो पहला क्लाउज है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है और आफ्टर के बाद वाला क्लाउज है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है कुछ अंग्रेजी वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके साथ में अक्सर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है जैसे ऑलरेडी बिफोर आफ्टर अर्लियर और मच अर्लियर तो ऐसे शब्द जब देखने को मिलें या आए तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं जैसे कि आई हैड ऑलरेडी कम्प्लीटेड माई वर्क यानी कि मैं पहले ही अपना कार समाप्त कर चुका था ही हैड रिस्ट देयर मच अर्लियर यानी कि वह वहाँ बहुत पहले पहुँच गया था इस टेंस का उपयोग कंडीशनल फॉर्म में भी किया जाता है जैसे इफ ही हैड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम यानी यदि वह मुझे मिला होता तो मैंने उसकी सहायता की होती तो ऐसे वाक्य जब भी आते हैं तो हम उसमें हैड का प्रयोग करते हैं और दूसरे क्लाउज में वुड हैव का प्रयोग करते हैं यानी इनका हिंदी सेंस निकलता है एक वाक्य में होता है यदि ऐसा होता और दूसरे में सेंस निकलता है तो हम ऐसा करते इसके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग हम कभी कभी समय सूचक भाव में भी करते हैं और उनके साथ में अक्सर सिंस और फोर का प्रयोग जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रयोग करते हैं उसी तरह से हम कर देते हैं तो जैसे आई हैड बीन इल फोर टेन डेज यानी कि मैं दस दिनों से बीमार रह चुका था दूसरा उदाहरण यदि हम लें तो आई हैड बीन बिजी फोर आ मंथ्स तो यहाँ पर फोर का उपयोग किया गया है तो आई हैड बीन बिजी फोर आ मंथ्स अर्थात मैं एक महीने से बिजी चल रहा था या बिजी था तो इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते हैं उम्मीद करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस आपको बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद